मेरे पास बाइक मौजूद है वो है 100cc, तो इसको फुल मॉडिफाई किया गया है राणा ऑटो में। तो अभी फुल सर से इसका रिव्यू लेंगे और बताएंगे इनमें क्या क्या इंस्टॉलेशन की है। वैस भाई, तो इसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन हुई है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है और कौन सा सीसी बाइक है, तो आप सारी इसकी फुल इसमें ये है ना जनाब अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका फ्रंट चेक करें सारा जी। ये रोड प्रिंस 100 है, 100cc बाइक जो है, 100cc बाइक फ्रंट जो है ना, हमने इसको KTM की लुक दी है, जो इंपोर्टेड बाइक आता है KTM जी। लाइट इसकी जो हैलोजन बल्ब है इसके अंदर, इसके जो हमने इंडिकेटर लगाए हैं उस हिसाब से फिर प्रॉपर जो है ना जी, एक प्रॉपर पूरी लुक दी है। मीटर इसका हमने पूरा ये प्रॉपर एक शेप दे दी है, हैंडल उस हिसाब से लगाया है सारा, ठीक है। मीटर को ये प्रॉपर अंदर हमने फिटिंग बना के इसकी इसके साथ ज्वाइंट की है जी, ठीक है। हैंडल इसका बॉबर स्टाइल का हैंडल है, बूट्स इसके नीचे आ जाएं। और सबसे मेन बात है इसकी ये हमने फ्रंट पे डिस्क लगाई है, अलॉय में हमने डिस्क लगा दी है, तो इस तरह नहीं आती इस बाइक, इस तरह नहीं आती इसकी, ये फ्रंट इसका पूरा किसी और बाइक का पूरा फ्रंट हमने इसमें लगाया है। अच्छा, अलॉय है फ्रंट पे, और अगला मड गार्ड इसका हमने GS का बना के लगाया है। फ्रंट इसका एक प्रॉपर बड़ी प्यारी लुक आ गई है फ्रंट। और इसको फ्रंट टायर कौन सा लगा है? इसको फ्रंट टायर लगा है 9917 का, 9917 का। इसको ये लगता नहीं है, ये लगता लेकिन नहीं। इसको हमने मॉडिफिकेशन में फ्रंट टायर इसको 9917 का लगाया है। ठीक, अब बात करते हैं इसके, आते हैं इंजन की तरफ। तो ये इसका वही है, जेन्युइन ही है 100cc का, क्योंकि इसको कोई इसमें अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पेंट किया गया इसके ऊपर, जस्ट पेंट किया गया। पावरफुल इंजन है, बेहतरीन है, दो बंदे तीन बंदों को ये, मतलब कि बंदा ये इसको उठाता है इंजन से। उसके बाद इसको पेंट कर दिया हमने। और इसकी टैंकी टॉपिक की बात की जाए तो ये मतलब इस तरह ही इसकी 100cc की शेप आती है टैंकी टॉप की? इसकी तो आम नॉर्मल टैंकी आती है 715 जैसी। अच्छा, 71. ये भी हमने इस पे स्पोर्ट्स टैंक इसमें यूज़ किया है, इसको जो डिज़ाइनिंग इसकी जो कलर थीम है वो सारी हमने खुद अपने मतलब के खुद चूज़ की है। ठीक, सारी खुद हमने जो है ना इसमें मॉडिफिकेशन टैंक में भी सारी टापे जो इसके बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छा ही मतलब इस पे मॉडिफाई किया गया हुआ है। शेकिंग भी बहुत अच्छी की गई है इसके ऊपर, और नीचे से इसको मैट कलर दिया गया है, नीचे ब्लैक कलर में। जी जी, मैट कलर किया गया, प्रॉपर पक्का कलर। और जो इसका चेन कवर पे इसमें आप चेन कवर पे आ जाएं तो इसका जो चेन कवर है ये यूनिवर्सल आजकल मिल रहा है, किसी भी बाइक पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इस पे यूज़ किया है। बैग भी इसका अलॉय है, बैग में इसके 9917 का टायर डाला है हमने। अच्छा, काफ़ी हैवी टायर है। और इसकी शॉक्स, शॉक इसके अपने ही हैं, शॉक्स इसके जेन्युइन आते हैं। शॉक्स के ऊपर से हमने कप उतार दिए हैं, ज़रा इनकी लुक आ गई है प्रॉपर ना। अच्छा, और इसकी बैग ही जो मोटर गार्ड लगा है इसके बारे में, बैक फेंडर इसका, इसको कोई और सूट नहीं कर रहा था। अच्छा, हमने इसका कोई मेटल का बैक फेंडर ही बनाया, ये इंपोर्टेड आता है फेंडर। अच्छा, जो हैवी बाइक्स वगैरह पे यूज जी जी बैक में लगा होता है, तो शेप के हिसाब से इसको यही सूट किया हमने, फिर यही लगाया इसको। अच्छा, बाइक को ज़रा से उस तरफ करें ताकि हम इसको ऊपर बस इस तरफ से आ जाएँ तो सामने जो चीज़ शो हो रही है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है ये क्या चीज़ है। ये हमारी खूबसूरती है वैसे, तो ये कहा जाता है कि इंजन की हीट निकालने के लिए जो है ना। अच्छा, ये फ्यूल ये ऑयल गेज वाली जगह पे इसका पाइप लगा हुआ है, लेकिन ये बेसिक इसका काम जो है ना ये खूबसूरती है, कोई वर्किंग नहीं है इसकी। अच्छा, कोई वर्किंग नहीं है, बस अच्छी लग रही है। और ये सीट, सीट मेरी अपनी बनी हुई है जी, सीट बेसिक काम मेरा जो स्पेशली ना सीट मेकिंग है, सीट मेरी अपनी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट जो है ना कंफर्टेबल सीट है, कवर शवर मेरे अपने हाथ का सिलाई हुआ। अच्छा, तो ये यहाँ पर जब फुल बाइक का रिव्यू ले लूँ तो इसके बाद एक और ब्लॉग बनाऊँगा इनकी, आप सीट देख सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे ख्याल से आपके पास काम ही ज़्यादा सीट का ही आता है। मेरा स्पेशलिस्ट जो है ना मेरा सीट का काम। अच्छा, ठीक। स्पेशली किसी भी तरह की आप सीट चाहें किसी भी बाइक की,
कस्टम सीट हो, वन सीटर टू सीटर, स्पेशली जो आजकल सुजुकी 150 की सीट बड़ी ख़राब आ रही है, कंफर्टेबल नहीं है, हमारा माशाल्लाह आपको सीट बेहतरीन मिलेगी, सीट का काम अब ये चेक कर सकते हैं। ये तो बंदा बैठे उसे पता लगे क्या चीज़ है ये। और उसके बाद अब इस तरफ से आ जाइए, इस तरफ भी ये सारा सीन है। एग्जॉस्ट लगा हुआ है कौन सा, ये भी आपने खुद लगाया? टेक्राफोबी का लगाया है, इसका साउंड अच्छा है, मुनासिब सा साउंड है, ना ज़्यादा लाउड है और ना ज़्यादा कम है। तो बाइक की पूरी लुक के हिसाब से फिर हमने ये डिसाइड किया है कि इसको ये सूट करेगा। अच्छा, और इस तरफ से बाकी बात की जाए तो फ्रंट मैंने आपको ऑलरेडी चेक करा दिया है, और ये फुल बाइक की लुक है। ये क्या है, ये जो इसके नीचे लगे हुए हैं नोजल्स की? ये नोजल्स लगाई हैं खूबसूरती के लिए बस। अच्छा, और तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ी है फुल बाइक को तैयार करने में? जो है ना इसकी कॉस्ट पड़ गई है, असल में इसका फ्रंट जो हिस्सा है ना पूरा, वो हमने किसी और बाइक का डाला है डिस्क के लिए। सही। तो बैक भी अलायरम उसी का डाला है, वैसे इसको स्पोक्स वाले रिम आते हैं, हम 70 वाला इसका फ्रंट होता है, बैक भी उसी। तो इसका जो है ना तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट इसकी जो है ना कॉस्ट पड़ गई है, बाइक को छोड़कर, बाइक को छोड़ के तकरीबन लगा लेंगे 35-40 के राउंड अबाउट 100 से सी बाइक है। तो 80,000 रुपये ओवरऑल सारी कॉस्ट है, जिसमें फ्रंट इसमें डिस्क आ गया, अलार्म आ गया, टैंक आ गया, फ्यूल गेज। तो अभी ये बाइक वर्किंग में, ये वर्किंग जो है स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना सकते हैं। और ये बैक सीट के नीचे लाइट लगी है, ये आपको दिखाना सीट, ये भी काफ़ी अच्छी लाइट है, ये बैक लाइट है, इसमें इंडिकेटर भी हैं दोनों तरफ, ठीक है, और इसमें बैक लाइट भी है। अच्छा, गुड, और बहुत अच्छी लुक बनती है इसकी, ये सेम लाइट उस बाइक के पीछे।